मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछले वीडियो को पूरा समझकर उसे अपनाया भी होगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि श्री विधि से गेहूं की खेती में फसल की सिंचाई में किन बातों को ध्यान में रखना है, साथ ही इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। अरे अरे, तुम पूछ रही थी ना कि और क्या करना है। सो देखो आशा, सिंचाई हम अपने खेत के मिट्टी को देखते हुए जो नमी खेत में रहता है उसके अनुसार हमको सिंचाई करना है। पहला सिंचाई हम बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद हमारा पौधा इतना बड़ा बड़ा यानी कि 2 या 2.5 इंच तक हो जाएगा, उसके बाद से हम फिर सिंचाई करेंगे। देखो पहला सिंचाई के बाद जब हम दूसरा सिंचाई करेंगे तो 30 दिन के बाद दूसरा सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद से फिर 30 दिन के बाद तीसरा सिंचाई करेंगे, उसके बाद से फिर जब चौथा सिंचाई करेंगे तो 20 या 25 दिन के बाद से फिर हम लास्ट वाला सिंचाई करेंगे। एक बात और हमको ध्यान रखना है कि हर सिंचाई में हमको जीवामृत डालना है। तो हम जीवामृत कैसे डालेंगे? जब हम सिंचाई करेंगे और जहाँ पानी गिराएंगे वहाँ पर ही जीवामृत को एक डिब्बा में ले लेंगे और डिब्बे को छेद कर देंगे और जहाँ पानी गिरेगा वहाँ रख देंगे, वहाँ धीरे धीरे अपने जीवामृत गिरेगा और वहाँ हमारा खेत में जहाँ गेहूँ है वहाँ गेहूँ तक पूरा फैल जाएगा। जब तुम बुआई करती थी पूरा छीट के करती थी उस समय तुमको खर पतवार चुनने में आदमी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था और दिक्कत भी होता था, लेकिन जब तुम श्री विधि से लगाओगी तो तुमको ये दिक्कत कुछ नहीं होगा। तुम वहाँ पर ही कोनोवीडर को लेके और जब पहला सिंचाई करेगी उसके पहले एक बार चलाओ देगी, दूसरा सिंचाई के पहले फिर एक बार चला देगी, और जब खर पतवार नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं कोनोवीडर चलाएंगे, और थोड़ा मोड़ा अगर खर पतवार रहेगा तो तीसरा सिंचाई के पहले फिर हम कोनोवीडर एक बार चला देंगे। कोनोवीडर चलाने से खर पतवार तो ख़त्म होता ही है और मिट्टी भी साथ साथ में मिट्टी भी हल्का हो जाता है और जड़ फैलता है और इससे पौधा बढ़ता है। भाभी पिछले बार तो हम लगाए थे तो पूरा कीड़ा खा गया था। अच्छा अच्छा, गेहूं का तो कीड़ा से बचने के लिए कोई उपाय तो बताइए। अरे अरे, तब से तो हम यही बता रहे हैं। देखो जब हम बीज उपचार कर रहे थे उसमें जो बीज उपचार किए खेत में जो ट्राइकोडर्मा वाला जो खाद छिड़काव किए यही तो आपके गेहूं के फसल को रोग से बचाएगा। हाँ, अगर पौधे में रोग लग जाए तो हम गोबर हींग या खट्टा मट्ठा दवा का छिड़काव हम समय समय पर करेंगे। और कीड़ा से बचने का उपाय भाभी? कीड़ा से बचने के लिए हमें एक महीना का जब पौधा हो जाता है तो हर 10-10 दिन में नीमास्त्र का छिड़काव करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और मिर्चा लहसुन का घोल का उपयोग करना चाहिए। समझे ना आशा? हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे।